वेलकम फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन है डीम्ड स्पेकुलेशन के ऊपर। आप सही सुन रहे हैं, डीम्ड स्पेकुलेशन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर हमने स्पेकुलेशन के बारे में तो सुना था, ये डीम्ड स्पेकुलेशन क्या चक्कर है? तो आइए उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एक छोटे से प्रैक्टिकल इश्यू से। सुराना एंड सुराना प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने शेयर ट्रेडिंग कर दिया एंड दे इनकर्ड ह्यूज लॉस। उनका जो शेयर ट्रेडिंग था वो पूरा डिलीवरी बेस्ड था, और सुराना एंड सुराना हमसे ओपिनियन मांग रही है कि हमने जो लॉस किया उसका नेचर क्या होगा, क्या वो स्पेकुलेटिव होगा या नॉन स्पेकुलेटिव होगा। और वो हमसे पूछ रहे हैं दो ऑल्टरनेटिव में। ऑल्टरनेटिव वन कि हमारा प्रिंसिपल बिजनेस शेयर ट्रेडिंग नहीं है, यानी हमारा प्रिंसिपल बिजनेस मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग है, शेयर ट्रेडिंग नहीं है, तो हमारा जो लॉस हुआ उसका नेचर क्या होगा। और दूसरा ऑल्टरनेटिव कि हमारा प्रिंसिपल बिजनेस ही शेयर ट्रेडिंग है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो हम सेक्शन 73 को याद करें। सेक्शन 73 क्या कहती है कि अगर आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस है और अगर उसमें नुकसान हो गया तो वो नुकसान आप स्पेकुलेटिव इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर पाएंगे। उसी सेक्शन 73 में एक एक्सप्लेनेशन भी जोड़ा गया है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अगर आप कंपनी है, ध्यान से सुने, अगर आप कंपनी है और आपका बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑफ अदर कंपनी है, आई रिपीट, आप कंपनी है और आपका बिजनेस क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ व्हाट, अदर कंपनी, देन यू आर डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑफ व्हाट, अदर कंपनीज। तो दिस इज अमेजिंग, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ कंपनी को ही लागू होता है, और ये एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं लिख रहा है कि आपने डिलीवरी लिया हो या ना लिया हो, यानी आपने डिलीवरी लिया हो या ना लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप कंपनी है और आप दूसरी कंपनी के शेयर का बिजनेस कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग, तो आप क्या कहलाएंगे, डीम टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस। इसके चार एक्सेप्शन बताए गए, यानी ये जो डीम्ड स्पेकुलेशन है ये चार सिचुएशन में लागू नहीं होगा। पहला है इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या है इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम में मेनली इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से या अदर सोर्सेज से, यानी इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी को ये सेक्शन लागू नहीं होगा, ये एक्सप्लेनेशन लागू नहीं होगा। दूसरा, ऐसी कंपनी जिनका प्रिंसिपल बिजनेस बैंकिंग है तो उनको भी एक्सप्लेनेशन लागू नहीं होगा। तीसरा, ऐसी कंपनी जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही ट्रेडिंग इन शेयर है तो इसको भी ये एक्सप्लेनेशन लागू नहीं होगा। और लास्ट है, ऐसी कंपनी जिनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, उनको भी ये सेक्शन लागू नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, पहला ऑल्टरनेटिव क्या था, ट्रेडिंग इन शेयर इज नॉट ए प्रिंसिपल बिजनेस। इफ इट इज नॉट ए प्रिंसिपल बिजनेस तो ये एक्सप्लेनेशन 273 उनको क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और ये लागू हो जाएगा तो उन्होंने जो नुकसान किया सुराना एंड सुराना, दैट वुड बी व्हाट, स्पेक्युलेटिव, इवन दो इट इज व्हाट, डिलीवरी बेस। ऑल्टरनेटिव टू, अगर उनका बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस ट्रेडिंग इन शेयर होता, अगर प्रिंसिपल बिजनेस ट्रेडिंग इन शेयर होता तो ये थर्ड एक्सेप्शन उनको लागू हो जाता। और थर्ड एक्सेप्शन ये कहता है कि आप इस एक्सप्लेनेशन में फॉल नहीं होंगे, जो ये एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा डीम्ड स्पेकुलेशन का, उसके अंदर आप फॉल नहीं होंगे, उसके अंदर आप फॉल नहीं होंगे, और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो तो डिलीवरी बेस है, तो फिर आपका जो लॉस होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन स्पेकुलेटिव कहलाएगा। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड स्पेकुलेशन। थैंक यू।